हैदराबाद में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कम देने पर दो पक्षों के बीच में हाथापाई हुई। कुछ युवकों ने पेट्रोल पंप पर की तोड़फोड़, मारपीट में एक युवक हुआ लहूलुहान, पेट्रोल पंप का सामान भी बाहर फेंका। मारपीट के बाद में बवाल का वीडियो हुआ वायरल। आरोप ये है कि कुछ लोगों ने घटतौली करते हुए पेट्रोल पंप कर्मचारी को पकड़ा था, जिसके बाद में ये सारा का सारा हंगामा हुआ। तो घटतौली की वजह से पेट्रोल पंप पर यह हंगामा देखने को मिला, क्योंकि आरोप इस वक्त ही आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए मारपिटाई की ये तस्वीरें शर्टलेस होकर के किस तरीके से लोग यहाँ पर न सिर्फ हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ में मारपिटाई भी की गई। आरोप इस बात का है कि पेट्रोल पंप की तरफ से घटतौली की जा रही थी, यानी कि डीजल और पेट्रोल के जो नाप है वो कम करके दे जा रही थी। ये तस्वीरें आप देखिए, हम चाहेंगे अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखा सके। इसको कुछ ही पलों में हम अपने संवाददाता जितेंद्र भाटी की तरफ रुख करेंगे, और इस बीच में हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? के लिए पहुंचे थे, और इसका यह आरोप है कि पेट्रोल पंप जहां पर इन्होंने पेट्रोल भरवाया वहां पर पेट्रोल में जो घटतौली इनके सामने आई है, और इसका गुस्सा इतना भड़का है कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ में इन्होंने मारपीट करी है। और पहले ये कहां से भी हुई, और क्योंकि मारपीट में तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने पेट्रोल पंप के अंदर तोड़फोड़ करी है, और न सिर्फ तोड़फोड़ बल्कि जो यहाँ पर कर्मचारी वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं सीसीटीवी जो भी है वो पुलिस ने अपने अंडर में ले लिया है, और अभी इन युवकों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। आपको बता दें कि ये युवक स्थानीय लोग हैं, मसूरी के ही रहने वाले हैं, और इनका ये कहना है कि पेट्रोल पंप पर निरंतर ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर पेट्रोल भरवाने के लिए कोई शख्स पहुंचता है तो उसको पेट्रोल कम मिलता है, जबकि पैसा पूरा लिया जाता है, और इसी को लेकर काफी नाराज थे। ये कार्रवाई जो हुई है आज की बेहद खतरनाक है। फैसले पे जाना चाहेंगे जितेंद्र, ये कैसे पता चला कि इस पेट्रोल पंप पर घटतौली हो रही थी? ये पहले ये शख्स पहुंचता है वहाँ पे बोतल लेके, और बोतल में जब ये तेल डलवाता है तो तेल कम निकलता है। जब इसकी शिकायत ये मैनेजर से करता है तो मैनेजर उल्टा इसी पे ही भड़क जाते हैं। इतना ही नहीं, जब ये अपने स्थानीय लोगों को बुलाता है तो पेट्रोल पंप के कर्मचारी उल्टा इसी को ही दोषी करार देते हैं, और तब इसका गुस्सा। चलिए जितेंद्र, आप निगाह बना करके रखें, आगे भी आपकी तरफ वापस आएंगे। तो घटतौली की वजह से हंगामा देखने को सामने आया, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मगर इस बीच में खबर मुंबई के वर्ली इलाके से, जहां पर बहुमंजिला इमारत के